हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों कल बिग बॉस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर टीना और अब्दू बैठे हुए थे। टीना वही लगी हुई थी कि अब्दू को से बातें करने लगी थी, भी तू बाहर से आया तो तू चेंज हो गया, अब तो निमरत और साजिद और सब जो टीम से जो तेरा ग्रुप है उससे ज़्यादा बातें नहीं करता, बाकी सबसे करता है। कह रहे मैं बाहर गया, मुझे लगा कि मैं इनसे बातें करता हूँ, ये कई लोग मेरे पीछे पिचिंग करते थे तो मैं भी इनसे थोड़ा सा अलग हो गया, अब मैं सबसे बातें करता हूँ। तो भाई ये चीज़ें कहती है, हाँ ये चीज़ बहुत अच्छा किया तूने। यही अब्दू बातें कर रहा था अपना प्रियंका के साथ बैठे हुए। ये प्रियंका का भी लगा हुआ था, प्रियंका कहती मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और प्रियंका की भी कह रही थी कि तूने भी अब आने के बाद थोड़ी चेंजेस हुआ है, तेरे में अच्छी है, तू अपनी गेम खेल, उनके साथ लेके गेम में मत खेल। यही चीज़ एमसी स्टैंड और शिवरा बैठे हुए थे कि अब देखो अब्दू से बातें कर रही है, वैसे पहले अब्दू से बातें नहीं करती थी, जब अब्दू के बारे में आता था कि भाई एक राशन नहीं कर सकता तो लड़ती थी, अब प्रियंका और ये टीनों से बैठे बातें कर रही है। साजिद अब्दू को समझाता है कि भाई ये जो तेरे बातें कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को समझ, ये सिर्फ उसके कर रहे हैं कि भाई तू नॉमिनेशन नहीं है तो उसे फुटेज मिले इनको ये वो, पर अब्दू अब क्या है कि थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये सब घर लोगों को पता लग गया है। बस बारी थी शेखर सुमन की, शेखर सुमन घर के अंदर आ गया। शेखर सुमन ने आज पूरा किचन का एक बना रखा था, अपना पूरा स्टेज बना रहा उसके अंदर रहा, और वो पूछ के चीज़ें डिशेज बना बना के हर एक घर वालों के बारे में बता रहा था भी कौन कौन कैसा है। जैसे अर्चना की वाजी ने कहता रहा अब चल लिया है, क्या चल लिया है, बोल बोल के मतलब पूरी, जैसे कहते हैं शेखर सुमन हमेशा ही जो करता है एक्ट वो बहुत बढ़िया करता है, एकदम डिफरेंट करता है, और उसने पूरे घर वालों की जो पूरा जो कितने निचोड़ बहुत बढ़िया ढंग से और एक डिशेज बना बना के बताया कि कौन कैसा कैसे लगता है। उसके बाद बिग बॉस देखा भैया ऐसा है कि सबको इकट्ठा कर लेते हैं, अभी न्यू ईयर है, न्यू बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बिग बॉस ने दे दिया कि एमसी स्टैंड को, अभी एमसी स्टैंड कन्वेंशन रूम में आ जाओ, एमसी को बता दिया अभी तेरे दोस्त अंदर आ रहे हैं, भाई तुझे परफॉर्म करना है लाइव, तेरे पूरे गानों पर प्रोग्राम था, थैंक यू बिग बॉस, ये हुआ है। और सामने घर वालों को भी भेज दिया गाड़ियर में, और गाड़ियर में पहली बार बिग बॉस में ऐसा हुआ कि न्यू ईयर बनाने के लिए बाहर से फैंस भी आए, तो लाइव परफॉर्मेंस थी, जिसे देखा जाए तो लोगों को पता नहीं पसंद आई ना आई, मैं पर्सनली देखूँ तो मुझे इन जो परफॉर्मेंस बिग बॉस ने करी थी कोई मज़ा नहीं आया, ना ही घर वालों को मज़ा आ रहा था, ना ही जो फैंस थे वो भी एक फेक फैंस दिखा रहे थे डांस करते हुए। काफ़ी लंबी ये परफॉर्मेंस चल रही थी यहाँ पे इनकी, बीच में टीना और शालिन थोड़ी देर पहले परफॉर्मेंस से पहले आपस में लड़ रहे थे कि तुम्हें फेक है, ये तू करता नहीं, ट्रस्टिंग करता, और इसके बीच में शालिन ने क्या किया, अपना माइक भी उतार दिया टीना से, लगा हुआ जप्पियाँ डाले डांस करने और इंग्लिश में बातें करने। बिग बॉस ने यहाँ भी टोक दिया, भाई शालिन तुमने तो हद से पार कर लिया, एक तो इंग्लिश में बातें कर रहे हो, ऊपर माइक भी उतार दिया, तो शालिन को फिर झाड़ पड़ गई। उसके बाद यही परफॉर्मेंस चलती रही काफ़ी देर तक, एक एक करके फ्रेंड्स भी आते रहे, एमसी स्टैंड भी करता रहा, करते यहाँ पे बिग बॉस को खत्म हो गया। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा आज सारे के सारे वही बातें कर रहे होंगे टीना और शालिन की कि भाई इनका क्या है, कल भी ऐसे लगे हुए थे भाई, एक बार होता है कि लड़ते रहते हैं उसके बाद इनका चलता है, यही चीज़ें सुंदर और प्रियंका डिस्कस कर रहे होंगे, और यही अपना सारे एमसी स्टैंड वगैरह सब डिस्कस कर रहे होते हैं इसके ऊपर। इस पर बिग बॉस इन सबको कन्फ्यूजन में बुलाता है दो दो करके, और इनकी राय लेता है भी, ये जो शालिन और टीना में चल रहा है सबके सब अपने राय देते हैं कि सारे फेक है, घर के लिए कर रहे हैं, कैमरे के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो टीना उनके एक्सपोज करेंगे पूरा। दूसरा नॉमिनेशन टास्क है, नॉमिनेशन टास्क के अंदर भी टास्क दे जाएगा भी कौन भी करेगा, अब कोई नॉमिनेशन पास आ चुकी है, यहाँ पे जो शिव है वो सिंबल को भी नॉमिनेशन में डाल देता है, और जो अपना जो अपनी निमरत है वो साजिद खान को डालती है, अब साजिद और निमरत की बहस देखने को भी मिल जाएगी आज दोनों ही नॉमिनेशन टास्क के अंदर। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।